नमस्कार, खबर दुनिया में आज देखेंगे, इंटरपोल को मिला नया मुखिया, सऊदी अरब के शाही खानदान में हो सकता है उलटफेर, ब्रिटेन में मुश्किल में पड़ी पुलिस और गुफाओं में रह रहे हैं पाकिस्तानी। इसके अलावा दुनिया रंग बिरंगी में बात करेंगे वर्चुअल गेम्स की रियलिटी की और भी बहुत कुछ। तो सप्ताह भर की चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ खबर दुनिया में आपका स्वागत है, मैं हूँ सर्व मित्रा। दुबई में पिछले दिनों इंटरपोल के नए मुखिया को चुनने के लिए दुनिया भर के देश इकट्ठा हुए। मैदान में दक्षिण कोरिया और रूस दोनों थे, लेकिन अमेरिका की सरपरस्ती में दक्षिण कोरिया ने बाजी मार ली। इंटरपोल ने दक्षिण कोरिया के किम जोंग यांग को अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है। किम का मुकाबला रूस के अलेक्सांद्र प्रकोपचुक से था, जिनकी उम्मीदवारी से पूरा पश्चिम जगत परेशान था। कई देशों ने रूस के गृह मंत्रालय के अधिकारी और वर्तमान में इंटरपोल के उपाध्यक्ष प्रकोपचुक की उम्मीदवारी रद्द करने की अपील की थी। उनका कहना था कि रूस इस अहम पद का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कर सकता है। यूक्रेन और लिथुआनिया ने तो प्रकोपचुक के अध्यक्ष बनने पर इंटरपोल से बाहर जाने तक की धमकी दे दी थी। बहरहाल, मतदान में दक्षिण कोरिया के किम जोंग यांग को जीत हासिल हुई। किम अब तक इंटरपोल के कार्यवाहक अध्यक्ष थे और उन्हें अमेरिका का समर्थन मिला हुआ है। सितंबर में चीन में लापता हुए इंटरपोल के पूर्व अध्यक्ष मेंग होंगवई का स्थान अब किम ले लेंगे, जो कि 2020 तक मेंग के कार्यकाल को पूरा करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस मौके पर कहा, हम सभी देशों और संगठनों को प्रोत्साहित करते हैं जो कि इंटरपोल का हिस्सा है और ईमानदारी से नेता के चुनाव में कानून का आदर करते हैं। हमें उम्मीद है कि किम वही साबित होंगे। आपको बता दें कि मेंग सितंबर में चीन जाने के दौरान लापता हो गए थे। बाद में खुलासा हुआ कि सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी के करीबी रहे मेंग को भ्रष्टाचार संबंधी केस में चीन में हिरासत में लिया गया है। इंटरपोल के नए अध्यक्ष किम अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह निभाते हैं और कैसे सबको साथ लेकर चलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, जो एक बार फिर अपनी मनमानी के कारण घिरते नजर आ रहे हैं। इस बार अमेरिका फर्स्ट का नारा उन्होंने आरोपों में घिरे सऊदी अरब का साथ देने के लिए दिया है। जमाल खाशोगी मामले में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का समर्थन कर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घिर गए हैं। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट के सिद्धांत पर चलते हुए देश के हितों को महत्व दिया। ट्रंप ने साफ किया कि वह सऊदी अरब के साथ मजबूत साझेदारी को बनाकर रखेंगे और उन्होंने अपने उस फैसले का भी बचाव किया कि वह खाशोगी मामले में सऊदी शासकों को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, जबकि CIA की रिपोर्ट में इस मामले में क्राउन प्रिंस पर ही उंगलियां उठी हैं। इस मामले को लेकर सऊदी पर सख्त प्रतिबंध लगाने की अमेरिकी सांसदों की मांग को ठुकराते हुए ट्रंप ने कहा, वो सऊदी के साथ सैन्य करार भी नहीं तोड़ेंगे। इस तरह का कदम बेवकूफी वाला हो सकता है, इससे सिर्फ हथियार कारोबार में अमेरिका के प्रतिद्वंदी देशों रूस और चीन को फायदा हो सकता है। ट्रंप ने कहा, हम करोड़ों डॉलर के ऑर्डर को छोड़ने नहीं जा रहे, संतुलन बनाना मेरे लिए काफी आसान है, मुझे अमेरिका को फिर से महान बनाना है। हमारी खुफिया एजेंसियां सभी जानकारी पर गौर कर रही हैं। जबकि इससे पहले व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में ट्रंप ने कहा, ये हो सकता है कि क्राउन प्रिंस को इसकी जानकारी रही हो, इसमें उनका हाथ हो सकता है। इधर ट्रंप के बयान पर विपक्षी डेमोक्रेट सांसदों ने आरोप लगाया कि वो अपनी खुफिया एजेंसियों को कमजोर कर रहे हैं और मानवाधिकार मसले पर सऊदी का सामना करने में विफल रहे। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, ये अमेरिकी मूल्यों के साथ विश्वासघात है। खाशोगी इसी अखबार के लिए कॉलम लिखते थे। डोनाल्ड ट्रंप के रवैये से लगता है कि वे मानवाधिकारों से ऊपर आर्थिक लाभ को रखते हैं, तभी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन उनके अपने परिवार वाले यानी सऊदी अरब के शाही खानदान में ही अब क्राउन प्रिंस के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया है। सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी मामले की आंच अब सीधे तौर पर सऊदी के शाही परिवार तक पहुंच गई है। परिवार के ही कुछ सदस्य क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को राजा बनने से रोकने के लिए साजिश रच रहे हैं। दर्जनों प्रिंस और परिवार के कुछ ताकतवर सदस्य उत्तराधिकार में बदलाव देखना चाहते हैं। प्रिंस अहमद बिन अब्दुल अजीज उन्हें टक्कर दे सकते हैं। प्रिंस अहमद परिवार के उन ताकतवर लोगों में हैं जिन्होंने 2017 में मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बनाने का विरोध किया था। आपको बता दें कि हाउस ऑफ सऊद कई प्रिंस से मिलकर बनता है। यहाँ राजा के बड़े बेटे को राजा बनाने की प्रथा नहीं है। राज परिवार का नियम है कि राजा और उनके विभागों के प्रमुख उस व्यक्ति को चुनते हैं जो राजा के बाद राजा बनता है। ट्रंप ने तो क्राउन प्रिंस का साथ देने की बात कही है, लेकिन खबर है कि अमेरिका के सीनियर अधिकारियों ने सऊदी के सलाहकारों से कहा कि यदि प्रिंस अहमद राजा बनते हैं तो वह उन्हें समर्थन देंगे। वैसे सऊदी अरब की सत्ता में प्रिंस सलमान अभी काफी मजबूत हैं। उन्होंने बेहद तेजी से सऊदी अरब की सत्ता पर पकड़ बनाई। पिछले साल जून में खुद से उम्र में बड़े प्रिंस मोहम्मद बिन नायफ की जगह वे क्राउन प्रिंस बने और सारी ताकतें अपने हाथ में ले ली। उनके नियंत्रण में गृह मंत्रालय है, जिसके अंतर्गत खुफिया पुलिस भी है। उनके पास नेशनल गार्ड का नियंत्रण भी है, जो राजशाही परिवारों की सुरक्षा करते हैं।
प्रिंस सलमान सऊदी के रक्षा मंत्री के तौर पर देश की सेनाओं का नियंत्रण भी अपने पास रखते हैं। वे रॉयल कोर्ट के प्रमुख हैं और देश की आर्थिक नीतियां उन्हीं के इशारों पर चलती हैं। वैसे खशोगी मामले से पहले भी प्रिंस सलमान तब विवादों में घिरे थे जब पिछले साल उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए दर्जनों शहजादों, व्यापारियों और सऊदी अरब के प्रमुख अधिकारियों को जेल में बंद कर दिया था। कानून व्यवस्था और ईमानदारी के नाम पर सऊदी अरब के शाही परिवार में छिड़ी ये लड़ाई किस अंजाम पर पहुंचती है, इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ब्रिटेन में इस वक्त कानून पर जो संकट मंडराया है, उससे अपराध के बढ़ने की सारी आशंकाएं नजर आ रही हैं। ब्रिटेन के कई शहरों में पुलिस वालों की संख्या कम है, जिस वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। एक समय ऐसा था जब ब्रिटिश साम्राज्य का पूरी दुनिया में दबदबा था, और आज हालात ऐसे हैं कि पैसों की कमी के कारण ब्रिटेन के पुलिस विभाग के बजट में कटौती हो गई है और इसके परिणाम काफी भयंकर साबित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन के डरहम प्रांत के हर्टलपूल शहर में 90,000 लोगों की आबादी पर केवल 10 पुलिसकर्मी तैनात हैं। जनता खुद अपनी सुरक्षा के लिए सड़क पर गश्त कर रही है और फेसबुक के जरिए क्राइम केस को हल करने की कोशिश कर रही है। इस शहर में इंजीनियर पॉल टिमलिन की वैन से चोरों ने कई उपकरणों को चुरा लिया। सीसीटीवी में चोरी की पूरी वारदात कैद भी थी, लेकिन 2 हफ्ते तक पुलिस वहां नहीं पहुंच पाई। आखिर में टिमलिन ने चोरी के सीसीटीवी फुटेज को फेसबुक पर अपलोड किया। फेसबुक पर किसी ने चोरों की पहचान कर ली तो उन्होंने स्थानीय दबंग आदमी से संपर्क साधा और उनके समझाने से चोर टिमलिन के उपकरणों को वापस लौटाने के लिए राजी हो गए। ये केवल एक उदाहरण है, ऐसे दर्जनों उदाहरण आए दिन देखने मिल रहे हैं। क्लीवलैंड में भी पुलिस के फ्रंटलाइन अधिकारियों की संख्या 500 से कम हो गई क्योंकि बजट नहीं है। पुलिस ने लोगों के शिकायती कॉल उठाना बंद कर दिया है। क्लीवलैंड पुलिस अब तक 12 पुलिस स्टेशनों को बंद कर चुकी है। वहां लोग हाथ में प्लेकार्ड लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें लिखा है, हम सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। यहां पिछले 8 सालों में 500 पुलिसकर्मियों को निकाला जा चुका है, जबकि 1257 पुलिसकर्मियों को जबरन नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया गया है। इस तरह की स्थिति ब्रिटेन के लगभग हर दूसरे शहर की है। वैसे पुलिस फंड की कटौती देश के लिए घातक साबित हो रही है क्योंकि अपराधी पहले से अधिक बेखौफ होकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ब्रिटेन में लोग पुलिस की कमी महसूस कर रहे हैं तो पाकिस्तान में जनता मकानों की कमी का सामना कर रही है। हालत ये है कि 21वीं सदी में भी यहाँ के लोग आदिम युग की तरह गुफाओं को अपना घर बना रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये गुफाएं सुविधाओं से लैस हैं। पाकिस्तान में मकानों की भारी कमी के चलते हजारों की संख्या में लोग इस्लामाबाद के उत्तर पश्चिम स्थित गुफाओं में रहने को मजबूर हैं। हालांकि ये गुफाएं बम प्रूफ, भूकंपरोधी और सस्ती बताई जाती हैं। पाकिस्तान की राजधानी से करीब 60 किलोमीटर दूर हसन अब्दुल गांव में तकरीबन 3,000 लोग गुफाओं में रह रहे हैं। यहाँ के पार्षद हाजी अब्दुल रशीद का घर भी इन्हीं गुफाओं में एक है। इन गुफाओं को हाथ से खोदा जाता है और दीवारों को मिट्टी से लेपा जाता है। यदि आप मिट्टी का मकान बनाते हैं तो ये बारिश में ढह जाता है, लेकिन गुफाएं नहीं ढहती। ये भूकंप प्रूफ और बम प्रूफ है। इन गुफाओं में कुछ कमरे होते हैं और एक बरामदा होता है। गुफा में रहने वाले एक बाशिंदे अमीरुल्ला खान ने बताया, ये अपेक्षाकृत सस्ता है, हमने इसे खुद ही खोदा। आधुनिक युग की गुफाओं में रहने वाले बाशिंदों ने इन ढांचों को पाकिस्तान के मौसम के अनुकूल बताया है। ये गर्मियों में ठंडी और कड़ाके की ठंड में गर्माहट महसूस कराती हैं। हालांकि इन गुफाओं में रहना आसान नहीं है क्योंकि इनके अंदर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती। रोशनी के लिए बाहर से बिजली के तार ले जाए जाते हैं। वहीं अंदर पानी की पाइपलाइन और नल की व्यवस्था एक विलासिता है जो कम ही दिखती है। एक स्थानीय मौलवी ने एक बड़ा आवासीय परिसर बनाया है जहां काफी संख्या में श्रद्धालु धार्मिक उत्सवों पर पहुंचते हैं। वैसे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान ने कम से कम 50 लाख मकान बनाकर आवास के संकट को दूर करने का वादा किया है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने से पहले और बाद में भी इमरान खान ने वादे तो बहुत से किए, अब उनके पूरा होने का इंतजार जनता कर रही है। रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 बुनियादी जरूरतों में से मकान के लिए फिलहाल वो तरस रही है। पाकिस्तान में लोगों के पास रहने को मकान नहीं है, लेकिन रूस में एक 5 साल का बच्चा मर्सिडीज का मालिक बन गया। हालांकि इसके लिए उसने काफी मेहनत भी की। सेहतमंद जीवन के लिए कसरत जरूरी है, ये बात सब जानते हैं, फिर भी बहुत से लोग इससे कतराते हैं। लेकिन कसरत से बचने वाले लोग चाहें तो इस 5 साल के बच्चे से सबक ले सकते हैं, जिसने एक बार में 50 या 100 नहीं बल्कि 4,000 से ज्यादा पुशअप करके सभी को हैरान कर दिया, वो भी 2 घंटे 25 मिनट में। रहीम कुराया नाम के इस बच्चे ने 4,105 पुशअप कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस बच्चे की इस कामयाबी से खुश होकर रूसी सेना के लेफ्टिनेंट रमजान कदरोव ने बच्चे को एक मर्सिडीज कार तोहफे में दी है। रमजान ने कार देते हुए बच्चे से कहा, इसे अपने पिता को ही चलाने देना, तुम बस उनके साथ बैठना क्योंकि तुम इस महंगी कार में चलना डिजर्व करते हो। और आखिर में एक खबर दुनिया रंग बिरंगी से। वर्चुअल वर्ल्ड यानी आभासी दुनिया,
यानी इंटरनेट के दायरे से बंधी कंप्यूटर और मोबाइल की दुनिया में रोजाना नए नए किस्से घट रहे हैं। कहीं ये अनजान लोगों को दूर बैठे दोस्त बना रहे हैं, तो कहीं पड़ोस में रहने वालों को अजनबी। लेकिन वर्चुअल दुनिया के इस जमाने में अमेरिका में एक व्यक्ति ने पड़ोसी धर्म निभाया और उसके बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी एक मशहूर इंटरनेट गेम है, लेकिन इसे खेलते समय एक परिवार तब सकते में आ गया जब उसे पुलिस ने घेर लिया। वाकया अमेरिका के फ्लोरिडा का है, जहां एक घर से चीखने की आवाजें सुन पड़ोसी ने पुलिस को फोन कर दिया। अमेरिका की इमरजेंसी सर्विस 911 पर एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि उनके पड़ोसी अपने घर में लड़ रहे हैं और उनकी बातें सुन उसे डर है कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो जाए। फोन करने वाले ने बताया कि जब उसकी बहन घर के बाहर थी तो उसने सुना एक महिला चिल्ला रही थी कि मुझे मत मारो। इसके जवाब में एक पुरुष कह रहा था, तुमने मेरी बंदूक क्यों ली। 911 पर की गई कॉल के बाद 6 पुलिस की कारें मौके पर पहुंच गईं और घर को घेर लिया। तफ्तीश के बाद पता चला कि उस घर में एक दंपति अपनी बेटी के साथ फेमस वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा था और खेल में ऐसा मशगूल होकर चिल्ला रहा था कि सचमुच की लड़ाई होने का आभास होने लगा। भेड़िया आया वाली कहानी बचपन में तो हम सब ने कई बार सुनी है, लेकिन अब लगता है कि बड़े होकर इसे फिर से सुनने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा विचरने लगे हैं, जहां सब कुछ दिखता आभासी है लेकिन इसके खतरे एकदम असली हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।